जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हो ब्रह्मोस मिसाइल भारत का सबसे खतरनाक मिसाइल है, क्योंकि जंग के मैदान में जो क्रूज मिसाइल है और प्रेजेंट टाइम में उनका अहमियत सबसे ज़्यादा है। चाहे वो इराक अमेरिका वार हो या अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है, उसमें आप सब जानते हो क्रूज मिसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ब्रह्मोस का जो रशियन वर्जन है P-800 ओनिक्स, वो भी बहुत ज्यादा रशिया की सेना यूक्रेन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हो अब ब्रह्मोस भी बैटल टेस्टेड हो चुका है। अब बहुत सारे दोस्तों का कुछ महीनों से ये सवाल था, क्या भारत आगे जाकर ब्रह्मोस मिसाइल को ताइवान को बेच सकता है? कुछ कुछ दोस्तों ये भी क्लेम कर रहे थे, हालांकि सोशल मीडिया में कुछ चल रहा था। अब जो पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हुआ था, भारत ऐसा इसलिए किया ताकि जो चाइना के दुश्मन देश है उनको ये बता पाए ब्रह्मोस मिसाइल कितना ताकतवर है, और उनके कंपेयर में चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है HQ-9 HQ-16 वो कुछ कर नहीं सकते। हालांकि ये एक तरीके से आप कह सकते हो ओपिनियन थॉट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मिसाइल तो गलती से चला गया था, और हालांकि इनडायरेक्टली ये भी प्रूफ हो गया चाइना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या भारत सच में ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल बेच सकता है, या फिर चाइना के खिलाफ ब्रह्मोस मिसाइल ताइवान के साइड में आगे जाकर इस्तेमाल हो सकता है? आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि ये आसान होगा भारत को ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाना ताइवान को। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, अब रशिया का यूक्रेन के साथ जंग के बाद अब ज्यादा खतरा यह है, अब चीन या तो लद्दाख या फिर ताइवान पर अटैक कर सकता है। ताइवान पर तो उसका नजर पहले से ही है, अब शायद अगर वो अटैक ना भी करता है कुछ साल के बाद, तो वो जरूर ताइवान को कब्जा करना चाहेगा, क्योंकि उनके प्लान में है। और अब अगर आप ताइवान और यूक्रेन को कंपेयर करोगे, अभी तो जंग चल रहा है इसी वजह से मैं बता रहा हूं, यूक्रेन का आर्मी ठीक है, रशिया के कंपेयर में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन यूक्रेन का जो एरिया था, लैंड एरिया था, वो बहुत बड़ा था। अगर आप ताइवान के साथ कंपेयर करोगे, ताइवान तो बहुत छोटा सा एरिया है। इसी वजह से रशिया की आर्मी इतना बड़ा हो जाने के बावजूद, या फिर इतना बड़ा होने के बावजूद, अब एक महीने तक जंग चल रहा है और 100% रशिया को सक्सेस नहीं मिला है। लेकिन यूक्रेन का एरिया छोटा है, और अगर यूक्रेन को अमेरिका जापान जैसे देशों का साथ नहीं मिलता है, तो चीन को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हालांकि यूक्रेन के पास भी एयरफोर्स है, आर्मी है, सेना है, लेकिन अगर चाइना ये माइंड बना ले कि नहीं मुझे यूक्रेन पर कब्जा करना है, उसे भी नुकसान होगा। लेकिन कब्जा करने से ताइवान जो चाइना को रोक नहीं पाएगा। अब बड़ा सवाल यह है, अब ताइवान जितना अपने आर्मी में एडवांस हथियार रखेगा, उसे बहुत ज्यादा आगे जाकर फायदा होगा, और ब्रह्मोस मिसाइल अगर ताइवान लेता है तो उसे बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या भारत ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए इंटरेस्ट शो करता है, या फिर ताइवान क्या भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है? अगर आप देखोगे कभी भी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है भारत ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल बेचेगा, या फिर ताइवान भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। ये सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हो गसिप है, या फिर ओपिनियन के हिसाब से ये सारा न्यूज चल रहा है। अगर आप भारत की तरफ से देखोगे, हाँ हमें ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने से फायदा होगा, एक तो इकोनॉमिकली होगा ही होगा, हम हथियार को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा चीन भी हमारा दुश्मन है और ताइवान का दुश्मन है, तो कॉमन एनिमी हो गया, तो उस वाले एंगल से भारत को ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल देने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ताइवान भारत से खरीदेगा? देखिए, ताइवान भी भारत को आज फ्रेंडली कंट्री देख रहा है, और ताइवान का जो सेमीकंडक्टर चिप वाले फैक्ट्री है, वो 7-8 बिलियन डॉलर के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भारत में होगा, और दोनों देश अपने इकोनॉमिक रिलेशन को भी बढ़ाना चाहते हैं। और ताइवान को अगर भारत से कुछ एडवांस हथियार मिलता है, तो ताइवान को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर ब्रह्मोस सिर्फ भारत में बनता, 100% भारत में बनता, तो हम जब चाहे ताइवान को तब सप्लाई कर देते हैं। लेकिन आप सबको पता होगा इसमें रशिया अमेरिका दोनों का एंगल आ जाता है, और रशिया कभी भी नहीं चाहेगा भारत ताइवान को ब्रह्मोस मिसाइल बेचे, क्योंकि अभी भी ब्रह्मोस मिसाइल में 30% तो मिनिमम अब रशिया का पार्ट है, या फिर रशिया का शेयर है। अभी तक 100% भारत ब्रह्मोस को नहीं बना रहे, हो सकता है आज से 5-6 साल के बाद ऐसा हो जाए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में है नहीं। और रशिया ताइवान के संबंध तो बिल्कुल है भी नहीं, क्योंकि ताइवान अब सर्वाइव करने के लिए जापान और वेस्ट अमेरिका उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब रशिया यूक्रेन जंग को लेकर ताइवान तो रशिया के ऊपर सैंक्शन कर दिया है, और अब चाइना रशिया के भी संबंध बहुत अच्छा है। हालांकि भारत और फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा है, और इनडायरेक्टली वो चीन के लिए खतरा है, लेकिन जब ताइवान का मसला आएगा तो चीन रशिया के खिलाफ वीटो करता है कि भारत ये मिसाइल ताइवान को ना बेचे, क्योंकि इनडायरेक्टली ये मिसाइल चीन के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। तो इसी वजह से रशिया कभी भी आग्री नहीं होगा, और ये दोनों देशों में से अगर कोई देश आग्री नहीं होता है, तो आप ये हथियार को नहीं बेच पाओगे।
तो रशिया वाले साइड से बिल्कुल एक बड़ा सा नो है और इसी वजह से ये मिसाइल कभी भी हम ताइवान को नहीं दे पाएंगे। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। मान लेते हैं कि रशिया कुछ भी करके राजी हो गया, क्या अमेरिका अग्री करेगा? क्योंकि वो भी एक टेंशन है, क्योंकि अगर आप देखोगे अब ताइवान बिल्कुल पूरी तरीके से डिपेंड करता है अमेरिका के हथियार या फिर अमेरिका के सपोर्ट के ऊपर, और अमेरिका का बहुत सारे एडवांस हथियार ताइवान में है, जैसे F-16 वगैरह हो गया, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक तरीके से ताइवान की सेना इस्तेमाल कर रहा है। अगर ब्रह्मोस जाकर ताइवान की कोस्टल एरिया में लगता है तो उसे बचाने के लिए ये सारे हथियारों का जिम्मेदारी होगा। इसमें अमेरिका को ये खतरा रह सकता है कि ब्रह्मोस का जो ब्रह्मोस के साथ उनके हथियार होने से उनका सीक्रेट शायद रशिया के हाथ लग सकता है, और रशिया को भी सेम तरीके का खतरा रहेगा। इसी वजह से ये दोनों देशों से परमिशन मिलना तो एक तरीके से आप मानकर चलो नामुमकिन सा बात है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अब ताइवान के पास ऐसा कुछ हथियार है ब्रह्मोस जैसा? आगे अगर अब जंग होता है तो वो चीन को वो हथियार से मुकाबला कर पाएगा? दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि ताइवान के पास कोई भी मिसाइल नहीं है। अब ताइवान के पास दो टाइप का मिसाइल है जिससे वो ताइवान ज्यादा डिपेंड करेगा अगर चीन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। एक है हुसैन फेंग जो एक क्रूज मिसाइल है, और एक टॉमहॉक की तरह ही है, और एक वानसेन वो एक एयर टू सरफेस वाला है जिसका रेंज 250 किलोमीटर है। हम पहले वाला मिसाइल के ऊपर ज्यादा चर्चा करते हैं। जो हुसैन फेंग है उसका रेंज तो 600 से 1000 किलोमीटर तक है, लेकिन उसका स्पीड बहुत कम ही है। सबसोनिक मिसाइल है और 0.8-0.9 मैक है। हाँ, मतलब कुछ हद तक ये काम कर सकता है, लेकिन अगर उसकी जगह ब्रह्मोस होता तो वो ज्यादा फायदा होता, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे मैंने कहा भारत को काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और देखा जाए तो ताइवान को बहुत ज्यादा रेंज की मिसाइल जरूरत है नहीं, सिर्फ 500-600 किलोमीटर वाला मिसाइल से उसका काम हो जाएगा एक हद तक, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो डिस्टेंस है वो 200-300 किलोमीटर मैक्सिमम है, जो बीच में जो सी एरिया है। और ताइवान का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो कुछ बड़ा मिसाइल बनाकर शंघाई या फिर बीजिंग तक हिट करे। वो तो खुद अपना मतलब बचाव करना चाहता है, वो अटैकिंग मोड में अभी आया नहीं। हालांकि अगर ताइवान कुछ सीक्रेट मिसाइल रखा होगा वो अलग बात है, क्योंकि जरूरी है कि अमेरिका कभी भी मतलब प्लान भी कुछ सोचकर अगर रखा होगा तो फिर वो जब जंग होगा तो उस पर पता चलेगा, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ताइवान के पास ये सब मिसाइल है। हालांकि दोस्तों मेरा मानना है भारत ताइवान को तो ब्रह्मोस मिसाइल नहीं भेज सकता, ये इम्पॉसिबल सा बात होगा। लेकिन भारत अगर ठीक से डिप्लोमेसी किया या फिर भारत अगर सही से प्लानिंग किया, क्योंकि चीन आप देखो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हथियार दे रहा है और बांग्लादेश को भी दे रहा है। चलो ठीक है, बांग्लादेश का भारत मेन एनमी नहीं है, हालांकि उनके जो लोग हैं वो तो सोचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से तो भारत उनका मेन एनमी नहीं है, उनका एनमी है म्यांमार, वो इस टाइप का सोचते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान को हथियार दिया गया है वो हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसी वजह से जो चीन के दुश्मन है हम उनको हथियार देकर स्ट्रांग कर सकते हैं। फिलीपींस को अब हम ब्रह्मोस मिसाइल दिए, अगर हम वियतनाम में इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करते हैं, ये आगे जाकर एक बड़ा जीत भारत के लिए होगा। अगर मलेशिया हमारा तेजस जेट को खरीदता है उसमें आगे जाकर अगर हम ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वर्जन है उसका छोटा वर्जन जो आएगा ब्रह्मोस NG उसे अगर हम मलेशिया को देते हैं वो भी बड़ा जीत होगा। हमें इस टाइप का मतलब प्लान पर सोचना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कैसे आगे आने वाले 5-10 साल के बाद हम देश के अंदर खुद हथियार 100% बनाए या फिर 90% तक बना पाए। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो उसे ज्यादा दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमा पाएंगे, और जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अगर हम ऐसा सिचुएशन कभी आता है ताइवान हो गया या फिर कभी कोई और देश को हथियार बेचने की बात आए तो हम वो काम कर सकते हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल नहीं कर सकते। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे ताइवान को भारत ब्रह्मोस मिसाइल कभी भी नहीं दे सकता है, कुछ भी मतलब अभी एक तरीके से लॉजिक से ठीक नहीं बैठता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।